हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कोलकाता सिटी का टूर किया और शॉक्ड हो गए उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूटी देखकर। कोलकाता एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है ये इंडिया की, और मैं कहता हूँ हर मामले में आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पे बड़ी सिटी है। बिल्कुल। तो बहुत यार, कोलकाता ने भारत को बहुत से बड़े लोग दिए, सिंगर्स दिए, क्या कुछ नहीं दिया। हाँ भाई, बहुत कुछ। तो जल्दी से देखते हैं कैसा लगा उनको, जर्नलिस्ट को, कोलकाता सिटी। कौन करते हैं? गुड आफ्टरनून फ्रॉम कोलकाता। हम भी देखेंगे। आखिरी दिन है, होटल से हमने चेकआउट कर लिया है। उस्मान की फ्लाइट रात कल बेंगलुरु में मैच थी, इवनिंग की है, तो इसलिए हमने सोचा कि जरा थोड़ा सा एक बार फिर घूम लिया जाए। हमारे जो नज़दीक प्लेस है वो न्यू मार्केट है। हमने कहा चले कोई थोड़ी बहुत वहाँ से चीज़ें ले ली जाएँ, और अब हम न्यू मार्केट की तरफ जा रहे हैं। ये भाई हमारे साथ हैं, ये हमें लेके जा रहे हैं, और ये दिन के वक्त हम स्टेडियम पे। मॉडर्न है ना भाई, साफ सुथरी, मतलब नया शहर है हमारे लिए, तो हमें हर चीज़ जहाँ से हम गुजरते हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा नया होता है। तो न्यू मार्केट जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है अब ये रूट हमारा कोई और है। सर, ये बताइए, बड़ी अच्छी कुछ भी ड्राई फ्रूट ले लेंगे, कुछ थोड़ा सा वैसे ही विंडो शॉपिंग करेंगे। लगेज का इशू होता है हमारे पास, तो आपको पता है 15 kg से ज़्यादा लगेज लेकर नहीं जा सकते। अच्छा, 15 kg से ज़्यादा नहीं। रिस्ट्रिक्शन होती है, फिर पैसे एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं। तो वैसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लेंगे और वैसे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर लेंगे। वो फोन का एडाप्टर चार्जर का मैंने लेना है, वो ले लेंगे। और वैसे बेसिकली टाइम पास कर रहे हैं, कोलकाता के आखिरी कुछ घंटे हैं वो हम इंजॉय कर रहे हैं। उस्मान भाई, फिर पता नहीं कभी मौका मिले या ना मिले, ये इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। जी, मुझे सारे जहाँ से हम अमृतसर से हमने ट्रैवल तो अपना शुरू किया, हम दिल्ली गए, आपने देखा था दिल्ली एयरपोर्ट पे भी हमें किस तरह लोग मिलते थे। हम प्लेन के अंदर अहमदाबाद जा रहे थे तो पाकिस्तान इंडिया का मैच था अगले दिन, और लोग किस तरह हमारे साथ मीटअप कर रहे थे, कितनी मोहब्बत के साथ, और हर कोई पूछ रहा था क्रिकेट नॉलेज बहुत है यहाँ पर लोगों के पास इंडिया में। फिर हम अहमदाबाद से हम बेंगलोर गए, बेंगलोर में हम 6-7 दिन रहे, फिर हम चेन्नई में 6 दिन रहे, और फिर हर जगह पे फंटेस्टिक। मुझे यानी मैं हर जगह को कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ कि मैं अपनी कंट्री के अंदर फिर रहा हूँ या यहाँ पे फिर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल किसी किस्म का कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। सही बात है। अच्छे लोग मिले, बड़ा अच्छा हमने यहाँ पे मंचिंग की, चटपटी चीज़ें खाई, बेल पूरी, साउथ इंडियन फूड, सब कुछ हमने इंजॉय किया। स्पेशली गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप देखेंगे यहाँ पर, बड़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं और बहुत ज़्यादा हैं। रोड्स अच्छे हमें नज़र आए, बड़ा मज़ा आया। मैं कहता हूँ कि बड़ा इंफॉर्मेटिव, फ्रूटफुल ये दौरा था हमारा। उस्मान, ये हमेशा से इंडिया का जो टूर होता है, मैं 2012 में आया था तो मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकता था उस वक्त, इतना फ़ोन और ये चीज़ें नहीं थी। हाँ, उस वक्त मेरे साथ एक कैमरा नहीं होती थी, वो फुटेज वगैरह बनाते थे और फिर वहाँ पे उसको सेंड करना, पाकिस्तान FTP करना, ये बड़ा बड़ा लंबा प्रोसीजर होता था। उसको आपने एडिट करना है, फाइल बनानी है, उसको आपने एक्सपोर्ट करना है, फिर FTP रूट के ऊपर आपने उसको रखना है, वो बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन इस बार अब आपको पता है टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि अब तो सिर्फ आपने व्हाट्सएप करना है या डॉक्यूमेंट बनाना है, वी ट्रांसफ़र करना है, आप जितनी बड़ी फाइल है आप उसको इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये न्यू मार्केट की तरफ हम जा रहे हैं, और बड़ा ज़बरदस्त हमारा सफ़र है। कल मैच के बाद भी तो आपको कई लोग मिले थे, फैंस मिले थे? जी बहुत। हम स्टेडियम में बैठे थे तो आपको याद है मीडिया सेंटर से हम नीचे आके बैठे तो उन्होंने हमें आके हमें कहा कि यार मीडिया लोग के लिए हमारा प्लेजर है, व्हाई नॉट। ये आप लोग अभी तो पूरा इंडिया पहचानता है अब्बास भाई को, और अभी तो पूरा इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी हमारे फैंस देख रहे हैं सारे, बहुत सारे कई जगहों के। मैं कभी कराची ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो एयरपोर्ट के ऊपर मुझे मिलते हैं, क्योंकि TV के ऊपर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, तो थोड़े से हम प्रोमिनेंट हैं, लोग देखते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पर भी यही हुआ कि बड़ी रिस्पेक्ट मिली बहुत ज़्यादा। मेरे पास इतने मैसेजेस हैं मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं ना, मुझे खुद पता नहीं, मैंने कभी वो अकाउंट्स खोले ही नहीं, लेकिन लोग मुझे कह रहे थे कि आपको हमने वहाँ पे मैसेज किया है, हमने आपको यहाँ पर मैसेजेस किया है। फिर लोग
होटल्स के रिसेप्शन के ऊपर बकायदा लिख के जाते थे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारा ये फोन नंबर है, हम किसी से ज्यादा मिल नहीं सके, आई एम सॉरी कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से इतना हम किसी को टाइम दे नहीं सके, रियली सॉरी जी। और बड़ी खुशी हुई आप लोगों को मैसेजेस देखकर, और मैं चाहता था कि मैं लोगों के साथ मिलूं। मुझे लोग कहते थे कि हम आपको यहाँ पे घुमाते हैं, हम आपको यहाँ पे डिनर कराते हैं, ये आप लोगों की मोहब्बत है जिसको मैं सलूट करता हूँ। ये इंडिया का प्यार है भाई, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा लोगों का मुल्क है। आप लोगों ने मोहब्बत दी, वार्म वेलकम किया, बहुत मजा आया, जबरदस्त। और ये हम न्यू मार्केट की तरफ जा रहे हैं, इसमें आपको मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, मैं कैमरा दूसरी तरफ टर्न करूंगा तो ये रोड साइड आपको मैं दिखाऊंगा कि हम न्यू मार्केट कौन से वे से जा रहे हैं। ये हमारा वे है, ये देखें ये रोड साइड है, एसी लगा हुआ है गाड़ी में तो इसलिए मैं इसको। अच्छा, कोलकाता में गर्मी है, इसका मतलब गर्मी है, ये हमारा वे है भाई। जो बड़े सिटीज है ना भारत में, अभी भी उधर हमारे पास थोड़ा सा टाइम था और नियर के अंदर दूसरी कौन सी प्लेस आप कह रहे थे जहां पे हमें जाना है अभी, विक्टोरिया मेमोरियल। उस्मान भाई कह रहे हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल भी चले चलते हैं, मैंने कहा ठीक है चले चलते हैं। नाम सुन रहा है, विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ हम चले जाएंगे। सही, बिल्कुल हर चीज मैनेज हुई है हमारे पास अभी। मैंने नाम सुना है, हां मैंने सोचा कि चले, हमने भी सुना है होटल में। मैं तो सुबह अर्ली वाइट कलर का गोल्ड चेक ना वो व्हाइट कलर का पैलेस सन भी उठ जाता है, लेकिन वो इजाज वसीम में प्रॉब्लम था कि वो थोड़ा सा वो जो पैलेस सन है कोलकाता में व्हाइट कलर का कितना प्यारा सा, वो तो महल जैसा लगता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाया करते जब मैच हो, जिस दिन जिस दिन हमें कोई लाइव वगैरह करना हो तो हम वेरी अर्ली चले जाया करते थे। देखें जी पार्किंग लॉट्स बनाए हुए हैं उन्होंने, ये ब्रिज के नीचे है, रोड के ऊपर आप पार्किंग ना करें, ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये पार्किंग ऑफिसेज की जो और ये वैसे बहुत अच्छी बात है, ब्रिज के नीचे उन्होंने जगह बना दी है, ये बहुत अच्छी बात हुई है। ये अब हम न्यू मार्केट की तरफ जा रहे हैं, ये मेरा सेकंड विजिट है। उस दिन बड़ी जल्दी जल्दी के अंदर, उस दिन बड़ा हॉट डे था, बहुत गर्मी थी और हमें प्रैक्टिस के ऊपर पहुंचना था, आपको याद है ना कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और हम प्रैक्टिस के ऊपर जाना चाह रहे थे। तो अब हम दोबारा से उसी प्लेस के ऊपर आ रहे हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रही है। ओबराय होटल है ना, ये ओबराय होटल है, ये बड़ा ओल्ड होटल है और पुरानी बिल्डिंग के अंदर उन्होंने इसी तरह इसको रखा हुआ है। हमें आपने ओल्ड मार्केट में उस प्लेस के ऊपर उतारना है जहाँ पे वो मेन मार्केट का जो एंट्रेंस नहीं है, जहाँ पे वो हेरिटेजेस वगैरह सारे उन्होंने बनाए हुए हैं, हमें वहाँ पे आपने उतारना भाई। और बस वी आर गोइंग, अब देखेंगे। हिस्टोरिकल शहर है कोलकाता, उधर ही करेंसी एक्सचेंज भी होगा, ये हमें बता रहे हैं। ये देखें ट्रैफिक है यार, क्योंकि बिल्कुल मिड ऑफ द डे है और अब यहाँ से नहीं जा सकते। देखें यू टर्न्स के ऊपर ये बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, जो प्रॉपर है वहीं से जाना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल्स हमारे पाकिस्तान होता है यूं सी मारते हैं, हां सी हां भाई, उसके बगैर आप इधर पता नहीं लोग जल्दी में बोल देते हैं। आपने अगर यू टर्न लेना है ना तो ये देखो साइड में एक जगह पे आप इस तरफ आ जाओ यू टर्न, मतलब यू टर्न के लिए अलग वो छोटा सा रोड बना हुआ है, सिग्नल को आप वहां से आप इजीली यू टर्न ले सकते हो ताकि पीछे आप कोई भी नहीं है, फाइन है जो अगर सिग्नल ब्रेक करते हो, बहुत सख्त है, कानून है, कानून होता है तभी काम चलता है, नहीं तो इतना बड़ा शहर है भाई। इस लेन में टैक्सी नहीं आ सकता, यू टर्न ये रोड है, आ सकता है इस लेन में येलो टैक्सी भी, ये यू टर्न वाला लेन है, ये यू टर्न वाला लेन है, ये मेट्रो है, मेट्रो स्टैंड, मेट्रो स्टैंड है, अच्छा मेट्रो सिनेमा है, ये देखें जी ये बिल्डिंग्स यार, क्या पुरानी बिल्डिंग है ना भाई, हिस्टोरिकल है ना ऐसा लग रहा है, बिल्कुल amazing tour, iske andar koi hotel wagera tour but wonderful, bada maza aaya ji. ye ab new market ke pehle ye hai, main bade purani market hai yaar, thoda yaad hai, aur ye dekhe ye hum ye new market hai, ye isi jagah ke upar iski back ke upar humne jana hai, हेरिटेजेस वगैरह हैं वहाँ पे, वो बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया, मैंने उसका वीडियो भी बकायदा अलहदा रिकॉर्ड किया हुआ है। हम कैब से उतरे हैं और न्यू मार्केट पहुँच चुके हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, हम पिछली बार उस वे से एंटर हुए थे, इस बार हम
इस वे से एंटर हो रहे हैं, इधर से लेफ्ट हम वॉक करके जाएंगे और आप ये मेरी बैग के ऊपर देखेंगे, ये मेन रोड है और इन्होंने हमें यहाँ पर उतारा है। बड़ी रश है यार। मार्केट में जाएंगे और मज़ीद आपको हम बताएंगे कि मेरे पीछे आप देखें ये बाहर जो शॉप्स लगी होती हैं इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइसेस होती हैं, अंदर शॉप में थोड़े से प्राइस ज़्यादा होते हैं। ये अब हम न्यू मार्केट में पहुंच चुके हैं, पता नहीं इसी वे से हम गए थे पिछली बार या किसी और वे से गए थे, मुझे रावलपिंडी की याद आ गई यार। रावलपिंडी में इसी तरह एक सिस्टम होता है, हम उस साइड की तरफ जाएंगे, उस साइड पर ऐसे मतलब शॉप्स ऐसी शॉप्स रोड पे बनाई हैं, फिर पीछे दूसरी शॉप्स हैं। मुझे रावलपिंडी की याद आ गई इसको अडॉप्टर हमने लेना है, अडॉप्टर पहले ले लें या अडॉप्टर लेना है अगर इनके पास है अडॉप्टर तो अडॉप्टर लेना है फ़ोन चार्जर का। और ये न्यू मार्केट के आप देखेंगे ये व्यूज़ हैं, ये साथ साथ सारे शॉप्स हैं। अनारकली टाइप लगती है लेकिन अनारकली मार्केट छोटी है, ये बहुत बड़ी लाहौर में है ना अनारकली, वो तो हर एक एरिया में लगे होते हैं। देखें छोटे बड़े मार्केट है, यू विल गेट फ्रॉम हियर जूस शॉप्स हैं, ये फूड बाउल्स हैं जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, KFC भी आ गया। और ये देखें कितने अच्छे खूबसूरत जो KFC ये हमारी मार्केट में आ गया, हमारी मार्केट से है ये KFC है। इस तरफ देखें इनके एक अलग सेक्शन है, अलग सेक्शन है, इधर अलग सेक्शन है, वो भी खूबसूरत थोड़ा हटके है, अच्छे अच्छे कलर्स हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है, ये देखें इस साइड के ऊपर केसी दास आ गया जी, वही बंगाल की जो मशहूर, ये दूसरी शॉप है ना, हमने तो दूसरी शॉप पे गए थे हम, ये दूसरी जगह है, ये दूसरी जगह है। चले मैंने कहा इसको भी मैं रिकॉर्ड कर लूं और आप तक पहुंचाऊं। ये देखें जी कितने खूबसूरत दुपट्टे हैं यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त। ये मेकअप शॉप्स हैं, ज्वेलरीज हैं, सच बताओ ना कोलकाता का बाजार देख कर ना मुझे रावलपिंडी का बाजार, सेम है इधर भी लाहौर या रावलपिंडी का, इन जगहों पे सेम टू सेम इसी तरह बिल्डिंग्स हैं बड़े बड़े, लेकिन उन बाजारों के अंदर मतलब KFC आपको नहीं मिलेगा, वो थोड़ा साइड पे थोड़ा पोर्ट एरिया में मिलेगा, लेकिन आपका बाजारों के अंदर KFC मिलेगा। बात से अंदाजा लगा लो कि इंडिया के सिटीज देखो बहुत हाई लेवल पे भी गए हुए हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं कोलकाता को देख रहा हूँ तो मुझे रावलपिंडी याद आ गया। सेम कोलकाता के रोड्स वगैरह थे वो रावलपिंडी से बहुत ज्यादा अच्छे थे, रोड्स वगैरह तो बहुत अच्छे थे, ये बाजार जो था इसमें थोड़ी सिमिलरिटी है, लेकिन जो रोड्स थे कोलकाता के वो बहुत एडवांस थे यार, सच बोलूं हर मामले में। देखो आपने यूटर्न के लिए एक अलग रोड रखा हुआ है, मतलब हर चीज पे एक कानून एक लॉ है जिसको आप क्रॉस करोगे तो आपको अच्छा खासा फाइन देना पड़ेगा। कोलकाता एक बहुत ही मॉडर्न और बहुत कमाल सिटी है, इसमें कोई शक नहीं। और आपने बाजार जो ये देखा कितना साफ सुथरा था, ऐसे बाजारों में इधर पाकिस्तान में हो तो आपको गंदी पड़ा रहे मिलेगा, नीचे रैपर्स वगैरह मतलब गिरे रहते हैं, लोग इतना केयर इस चीज की नहीं करता, लेकिन कोलकाता में मैंने देखा नीचे कोई फेंकता नहीं है, जो भी खाता है साइड साइड के मतलब डस्टबिन वगैरह में, तो ये चीजें बहुत अच्छी है। आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।